चक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, और जोर जुर्म के चक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, और जोर जुर्म के चक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। एफडीआई के विरुद्ध, हेलो, एफडीआई के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व ने आदेशित करके और मंडल स्तर पर सर्वे के कार्यक्रम को आयोजित करने का जो आदेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा भी आज उसी तारतम्य में हम यहां पर धरने पर भेजे हैं। कार्यक्रम के सर्वान्य भारतीय जनता पार्टी के सर्वानी अध्यक्ष माननीय सुजान मल्ली जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के दोनों महामंत्री द्वय भाई रणछोड़ला जी चौहान, भाई श्रीनारायण बंबोड़िया जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के उपाध्यक्ष माननीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी यादव, किसान मोर्चे के मंडल के अध्यक्ष माननीय गोपीलाल जी पटेल साहब, महामंत्री पार्षद सभापति किसान मोर्चे के महामंत्री माननीय बाबूलाल जी, नगर पंचायत उन्हें के सर्वानीय अध्यक्ष माननीय कैलाश जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचन की बैठक में गए हैं, भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत उन्हें के सर्वानीय उपाध्यक्ष माननीय पूर्व महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मंडल उन्हें वर्तमान में नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं भाई दिलीप मोदी जी, युवा मोर्चे के मंडल के सर्वानीय अध्यक्ष माननीय भाई महावीर वैरागी जी, भाई विकास जी, जिला योजना समिति के सर्वानीय सदस्य मेरे बचपन के मित्र भाई मंजूर खान मुल्तानी जी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सर्वानीय अध्यक्ष माननीय करण सिंह पटेल जी, स्थानीय इकाइयों के सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, सरपंच हमारे आदरणीय विकास जी, गिरधारी लाल जी, और हमारे उड़ेल की साहित्य गतिविधियों के केंद्र बिंदु दो साहित्यकार दोनों एक साथ जुटे, ये सच साहित्य गतिविधि गतिविधियां चलाना या तो ये जटिल कार्य है। पंडित चलिए गुरु मात्र है विराजमान है, साहित्यिक मंचों में अतिथि के रूप में शोभित होते हैं, और वक्त पड़ा तो छोटे मोटे गांव में अपनी रचनाएं भी प्रस्तुत करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अनेक वर्षों तक उन्हें मंडल में मंडल के अध्यक्ष के रूप में मोर्चे का काम ले गए, अनेक संदर्भ में उन्होंने भारत सरकार और मनमोहन सिंह मुर्दार प्रधानमंत्री छोटी सरकार के कार्यकाल में जो घोटाले हुए हैं उनसे महिमा मंडित किया है, उसको प्रस्तुत किया है। हम सब कार्यकर्ता लगभग दो घंटे से, और माननीय जैन साहब, बदलाल जी, चौधरी साहब तो धरना स्थल पर कार्यक्रम के प्रारंभ होते ही आए थे, आज भी हमारे बीच में दीसा मंदिर में बहुत लंबे समय के बाद हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए आए थे कल्याणलाल जी टेलर, सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों, एफडीआई के विषय में बहुत कुछ बातें मंच से
सन्मानीय वक्ताओं के द्वारा अच्छी तरह से प्रकाशित किया है, प्रकाश डाला है। समय बहुत लंबा खींच चुका है, 2 बजे का समय हो चुका है। आपका ध्यान मिली और आकर्षित करें, भारतीय जनता पार्टी जनजागरण करती है। राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद से किसी भी मौके पर समझौता नहीं करती। हमारा काम है अलग जगाने का। राष्ट्र पर संकट आता है, राष्ट्रवादिता पर संकट आता है, उसके राष्ट्रता पर संकट के खतरे और बादल जब मंडराते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन लाइनों के माध्यम से हिंदुस्तान के जनमानस को, आंदोलित शक्तियों को जगाता है। गिरों को इन हवाओं को आवारा जवान जाए, रोको इन हवाओं को आवारा जवान जाए, वक्ता के पत्ते का कार्यकर्ता अलग जगह कर चेतावनी देता है और यह चेतावनी देता है कि जला लो इन मशालों को, ये हमारी जनजागरण की मशाल, कि जला लो इन मशालों।